Hello dear students, today dated 3-7-2021, class 9th, subject science. Our today's topic is Newton's second law of motion. तो कल हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उसमें हमने देखा ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद इज यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये हमने कल पढ़ा था, है ना. और हमने एक चीज और इस पे देखी थी कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है रिकॉग्नाइज करता है दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया. इनर्शिया इज द दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रिजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये कल हमने पढ़ा था. आज का जो है हमारा दैट इज दिस इज आज का जो है ये दैट इज ये जो है इसको हम कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, कहता है कि वन टू बॉडीज ए हैवी वन एंड ए लाइट वन. जब दो चीज होंगी एक भारी होगी और एक लाइट हल्की होगी आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम. द लाइट बॉडी अटेन ए हायर वेलोसिटी देन द हैवी वन, है ना. बट द मोमेंटम गेन बाई बोथ अ बॉडी इज द सेम. गोया के द लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अगर हमारे पास एक हैवी चीज है, एक पत्थर है और एक लाइट चीज है, एक लकड़ी है, तो जब हम उनको दोनों को ऊपर उठाएंगे एक ही टाइम पे, जो हल्की चीज है वो हायर वेलोसिटी के साथ ऊपर उठेगी, मतलब उसको हम जल्दी उठा लेंगे. जो हैवी है उसे हम उसे टाइम लगेगा हमें उठाने में, है ना. तो अब ये जो मोमेंटम जो गेन हुई बाय बोथ द बॉडीज इज द सेम. जो मतलब जो भी मतलब हमने देखा कि जो मोमेंटम है इसके दरमियान वो सेम रहेगी. अब इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत. कैसे, न्यूटन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहा, याद रखना है, हमने लिखना है, आप ही लिखो द रेट, आप ही लिखिए अपनी कॉपी में नोट कीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स applied force and takes place in the direction in which the force acts and takes place in the direction in which the force acts. मैं फिर यहां रिपीट करती हूं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट. अब हम इसको the rate of change of momentum of a body can be obtained by dividing the change in momentum by time taken for change. So Newton's second law of motion jo hai can be expressed, kaise express kiya usne, Newton ne second law of motion ko kaise express kiya, yahan par main likhti hu, force is proportional to the force jo hai wo directly proportional kiske hai, चेंज इन मोमेंटम.
चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन है ना, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि हमारे पास कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विल बी एम यू. सपोज ए फोर्स f acts ऑन दिस बॉडी फॉर टाइम t एंड causes द फाइनल वेलोसिटी टू बिकम v. द फाइनल मोमेंटम ऑफ इट्स बॉडी विल बी एम वी. नाउ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी एम वी माइनस एम यू. And the time taken for this change is t. So according to Newton's second law of motion, उसने क्या कहा? F is directly proportional to किसके? mv minus mu by t. या हम इसको लिखेंगे F is directly proportional to m को हम common लाएंगे. v माइनस यू बटा टी. समझ आ रही है आपको बात? बट v माइनस यू जो है बाय टी रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम विच इज नोन एज एक्सेलरेशन. इसका मतलब v माइनस यू किसको इंडिकेट करता है? एक्सेलरेशन a को. सो राइटिंग a इन प्लेस ऑफ v माइनस यू बाय टी इन द एबोरेशन, ये जो है इसको हम किस तरह लिखेंगे? f इज प्रोपोर्शनल टू m into a. a means ये v और u को मिलाकर क्या बन गया? acceleration. तो f is proportional to m into a. so the value of अब हमारे पास f means force, m means mass and a means acceleration. बात समझ आई आपको? The acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body. यहां मैं लिख लूंगी थोड़ा सा. आप भी लिखेंगे. The acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting on it. Acting on it and inversely proportional to the mass of the body. तो यह आप लिखेंगे, बाकी आगे हम कल करेंगे. शुक्रिया.